हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, फाइनली डीयू यूजी एडमिशन 2024 के लिए, जैसे आप सभी को पता होगा सीयूटी का रिजल्ट इस बार काफ़ी लेट रहा यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो फाइनली सीयूटी यूजी एडमिशन 2024 के लिए फाइनली दिल्ली विश्वविद्यालय ने CSAS यानी SAS जिसके कहा जाता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, आप सभी को जैसे पता होगा पिछले दिनों में जो स्मूथलेट जो रैंक होती है उसको जारी कर दिया गया था। और आज फाइनली अपडेट ये है कि अब फर्स्ट CSAS एलोकेशन जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, क्योंकि अब 5 बज चुके हैं और 5 बजे के बाद ये जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो पहले तो अब करेक्शन विंडो तो अब वो ओपन हुई थी, अब क्लोज हो चुकी है, अब आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो पहली जो है CSAS एलोकेशन लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। अब आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट इसको एक्सेप्ट करेंगे आज शाम 5 बजे के बाद ही, मतलब आज 5 बजे के बाद ही आपके पास अब 18 अगस्त तक का टाइम है, यानी कि लिस्ट आज आ चुकी है, 18 अगस्त तक आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। आपके उस पोर्टल पर दिख जाएगा, वही पोर्टल पर जिस पर अभी आपने रजिस्ट्रेशन अपना किया CSAS का, ठीक है। 18 अगस्त शाम 5 बजे तक आपके पास समय, यानी संडे तक आपके पास समय है। कॉलेज इसको वेरीफाई कर लेंगे 16 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में, और लास्ट डेट जो पेमेंट की रहेगी वो आपकी रहेगी 21 अगस्त शाम 5 बजे तक आप पेमेंट इसके लिए कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली जो बिग अपडेट है वो ये है कि फाइनली CSAS UG फर्स्ट एलोकेशन जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, और अब आप इसमें जो एडमिशन के लिए देख सकते हो। एक चीज़ और, जो वीकेंड सीट रहेगी वो आपके डैशबोर्ड पे आप देख पाओगे 22 अगस्त तक, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहली जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, और आपके पास समय है इस पहली लिस्ट के लिए 18 अगस्त तक आपके पास समय कि आप इस सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। कौन सा कॉलेज आपको दिया गया है, कौन सा प्रोग्राम में आपने लिया है, आप अपने डैशबोर्ड पे जाके इसके लिए आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।